भगवान की कथा प्रारंभ करने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते और जैसे ही पंडित जी की लिंग जुड़ी संकेत करिया मैं विराम दे रहा हूँ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे प्रभु राम आ जाओ, आओ आओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। जोन प्रसंग चला थे वही मके चर्चा करा था आपके पास जी महाराज जी, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, पूरा 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 लिंक पर आराम से बोलिए जी। जनक सुता के सुधी भामिनी, जानहू कहू करीवर गामिनी। आप देखिया सब विद्वान है, भगवान राम माता सबरी लग कहा थे
अय भामिनी। अब भामिनी शब्द के अर्थ ही होते भामिनी हमन काला कथन जो उन्हें जवान रहे और सुंदर रहे, वही स्त्री लही भामिनी के रूप में संबोधित करे जाते। तो ए सबरी है कौन सो के जवान, बोला कैसे भामिनी कहत। आप देखिया भागवत कथा घलामा यही उल्लेख आते, जो उन भक्ति है वो जवान रखे, और भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है ये वृद्ध रखे, चले फिर नहीं सके। तो नारद जी जब पहुंचते तो माता भक्ति सोखर संवाद होते, महाराज कहेंगे बड़ा चंभा है आप इस समस्या के निवारण करा, कि दाई है तो जवान है अपुत्र मन वृद्ध है, वो चले फिर नहीं सकत। वो कथा में नहीं जाता, संक्षेप भाव ये है कि भक्ति हमेशा ही जवान रहे, और ज्ञान वैराग्य जो नखर पुत्र है ए मन के ग्राहक कम पहा। तो जैसे कोई दुकान अब चलत है और कोनो दुकान खोल के तो बैठे है लेकिन उनका ग्राहक ही नहीं, तो भक्खल पड़े। तो ज्ञान वैराग्य के हमर समाज में लगभग ग्राहक कम मिलते, एक हर स्थिति के मन वृद्ध ही रूप में रहते और भक्ति हमेशा जवान रूप में रहते। ठीक ये प्रकार से माता सबरी के जो भक्ति, भक्ति के साक्षात मूर्ति, भक्ति के साक्षात मूर्ति होए के कारण भगवान राम है कहिन अय भामिनी। वैसे आप मानस में दिखा जहां तक मोर जानकारी है, ये भामिनी शब्द के उपयोग समय समय में होए है। एक बार मंथरा दीदी है तो रानी कई कई लकहत थे, पहली बार भामिनी करहू तो कहूं पाऊ है तुम्हारे सेवा बसराव। मंथरा है माता कई कई लकहत थे भामिनी शब्द से संबोधित करे, राजा दशरथ दो बार संबोधित करे है भामिनी के रूप में। मैं कछु कहो कपट तज तो ही अभामिनी राम सपथ सत मोही। मैं राम के कपट खा के कह सौगंध खा के कहा था, मैं तो उसको बिल्कुल सही सही बात बता था। तो दशरथ जी एक बार भामिनी में कहे है और दोबारा एक बार आओ कहे है भामिनी भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। तो मंथरा दीदी है एक बार संबोधित करे है कई कई भामिनी से, और राजा दशरथ दो बार करे है, लेकिन बड़ा एक विशेषता दिखाई देते कि भगवान राम है। माता सबरी एक बार नहीं तीन बार भामिनी भामिनी से संबोधित करे, भक्ति के क्षेत्र में भक्ति के बड़ा जो सराबोर है पूर्ण रूप से है पूर्णतम रूप है वो माता सबरी है। भगवान राम तीन बार भामिनी शब्द से संबोधित करे थे, पहली बार कह रघुपति सुनु भामिनी पाता मानव एक भगति करनाता। ये पहली बार भामिनी है भगवान के तब बहुत शौक निबुताई, धन्य है कहीं अनेक भक्त होए हैं लेकिन जतका प्रेम से शराब और है अभी बताते हैं सुरस रस्म भरे हुए है डूबे हुए 10,000 साल हो गए राम के प्रतीक्षा में लेकिन एक पैसा कहीं कमी नहीं होती, रोज प्रतिदिन उनका प्रेम है तो उन्हें रस है तो उन्हें बढ़त जाते।
भगवान राम नवधा भक्ति बताई और कहा थे, सो वति से प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये प्रकार से भगवान राम दूसरा बार संबोधित करे हैं और तीसरा बार है भगवान राम आगे यात्रा में चले के पहले माता सबरी ल पूछा थे, जनक सुता की सुधि कहु भामिनी जानहु कहु करी वर गामिनी। ऐ भामिनी, अगर जनक सुता के बारे में जानकी जी के बारे में कुछ जानकारी हुई तो तय मोला बता, अब आगे चलना है। तो ये मेरे देखा जो भामिनी माने जवान और सुंदर स्त्री लही कहे जाते, लेकिन भगवान राम माता सबरी के भक्ति से अतका ओतप्रोत है, बोल प्रेम से देख करके अतका कन भारी मगन है। एक बार लकोन कहे बार बार तीन बार कहे हैं। अब थोड़कन इमा एक चीज ये देखी, अभी तो भामनी कहीं तेला मान ला व्य हो गए कि भाई चल भाई भक्ति हमेशा जवान रख, तो एक स्थिति भक्ति से सराबोर रही परिपूर्ण रही तो भामनी कही भक्ति के दृष्टि से वो जवान ही है, उम्र कत को हो जाए रहे। आज देखा कई जन देखा विद्वान पंडित मतलब वो 80 साल की उम्र हो गए चले फिर नहीं सके। महाराज मोर यह कथा है कहू प्रवचन है कथे तो एकदम तत्काल वो तैयार हो जाए। भक्ति हमेशा जवान ही होते। अब दूसरा प्रश्न मेरे को उठा थे कि भगवान राम है लग करीवर गामनी का बकेश हथनी के समान चाल चलने वाली, अरे 80 साल रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड ले आओ महा रिटायर्ड हो गए ओला कथे हथनी के समान चाल चलने वाली। तो का नाने कुछ सब दल तुलसी उदास लिख दी थी तो हूँ नहीं लिखे भगवान उसने कहत का, अब कहत रिसो ही भाई। तो करीबर गामनी काव्य कहीं यही मैं आपके पास थोड़ा समय अपन विचार रखे हाँ कि भगवान राम सबरीला करीबर गामनी के रूप में संबोधित काव्य करे हैं। आप देखिया ये जो हाथी है उमन नौ ठी लक्षण पाए जाते, नौ ठी विशेषता है। अब वो नौ विशेषता जो लक्षण है माता सबरी में परिपूर्ण रूप से है, ओखरे सेती को लग कहा थे करीवर गामिनी। अब जरा हम थोड़कन तुलना करें कि हाथी में कौन सी नौ ठी विशेषता है जो न माता सबरी में, तो आप देखा पहली हाथी की विशेषता ये होते ये बड़ा विशाल होते ऊंचा होते, तो भक्ति घला सबसे ऊंचा होते। वो गाना वगैरह नहीं है, मैं एक लाइन पढ़ा था मैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा जो है संसार में ये प्रेम के सगाई है अर्थात भक्ति है। तो जौन प्रकार से हाथी है कद काठी में बड़ा विशाल होते ऊंचा होते, वही प्रकार से भक्ति के मामला में माता सबरी हो समय से सर्वश्रेष्ठ रहे, वो समान भक्ति मति भक्ति मान भक्ति के क्षेत्र में कोई आगे नहीं रही। सबरी में कूट कूट करके भरे गरी से, तो हाथी के एक लक्षण है जो न हो बड़ा विशाल होते ऊंचा होते, तो माता सबरी घलाम भक्ति के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ली। हाथी के दूसरा विशेषता देखिए, हाथी बड़ा मस्त रथ,
तो भक्ति के बारे खलाम देखिए यू बड़ा मत मस्त है, बहुत मत भरे रथ। अरे हाथी में मत नहीं भरे, भक्ति खलाम मत भरे है, कतका कन मत भरे है, भक्ति के क्षेत्र मातमी अतकर डूबे है कि घर के बूता काम काज घला लजे करके ले करके आज हमन कथा भागवत राम रामायण सुने जाते सब ल छोड़। हमू मन में एक मत वाला पंछाए है, हमू मन में मस्ती है, एकरे से तिक देखिया मीराबाई है। राजमहल के सुख वैभव ल छोड़ करके आज सब के त्याग करके कृष्ण प्रेम में डूबे हुए है। कुछ कवि मन लिखे हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जहर का प्याला राणा ने भेजो पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। भक्ति में अतका मत भरे रथे मत वाला पन है, बड़ा मत मस्त होकर के आदमी भगत है जो भगवान के नाचे लगे। सब चीज जगत के ख्याल भूल करके और राम कथा मा राम प्रेम मा राम भक्ति मा मत मस्त रह करके वहा बड़ा मगन रथे। तो हाथी में जैसे मद भरे रथे तैसने भगवान के जो भगत है भक्ति इसमें डूबे है एहू मन में मद रथ। एकरे सती हनुमान जी जैसे भक्ति भक्त घलाए तुम कहत नाथ भगते तो अनपायनी अदेहु कृपा नाथ भगते अति सुखदायनी अदेहु कृपा करी अनपायनी। हनुमान जी जैसे भक्त हैं आज भगवान राम कथा के प्रेम में डूबे हुए तब होल कहते प्रभु मोला भक्ति चाहिए तो लाओ कृष्णा भक्ति चाहिए कही तो अनपायनी भक्ति। ये अनपायनी भक्ति का हरे जेखर पांव झन रहे जो चले फिरे झन सके कई थी हमर सो चीज हावे लेकिन ओकर अगर हाथ पांव है तो रेंग के अंते चल दे। भगवान कहिन महाराज मोला भक्ति दहत अनपायनी देवा जेखर पांवे झन रहे ओ मोर हृदय में हमेशा विराजमान रहे अंते तंते झन जाए। तो भगवान के भक्ति में तो डूबे छुए हैं अब आओ भगवान ल कहते मोला अनपायनी भक्ति देवा। भक्ति तो है हृदय में और रेंग के अंते चल दी था तो जेखर पांव झन रहे ऐसा भक्ति देवा माने निरंतर मोर में विराजमान रहे। तो भगवान के भक्त मन में इसने मत वाला पन रिबे कर। अच्छा भगवान के भक्त के का विशेषता है वह भगवान के भगत हम काला कथन जो उन्ह कभी उदास झन रहे पहली लक्षण और दूसरा है जेला कोखरो आस झन रहे। भगवान के दास हुई हरे जो जीवन में कत को भी विषम परिस्थिति आए तो उदास झन होए और जेला आन के आस झन रहे। आज भगवान राम सो यही भक्ति है हनुमान जी महाराज भला मांगत हैं प्रभु मोला अनपायनी भक्ति द मैं यही डूबे रहा आपके हमेशा नाम ले। हाथी है जैसे मत मस्त रथे मतवाला रथे वही प्रकार भगवान के जो भक्ति से शराब हो रहे वो रोते एहू मन मत मस्त रथ। कहा गरीब अमीर कोई के ख्याल नहीं है केवल भगवान के भजन में लीन है मगन। हाथी के तीसरा विशेषता बताए हैं कि ओखर दांत बड़े बड़े हो तो दांत बड़े बड़े होते एखर मतलब वो दांत में काटे नहीं बल्कि वह हाथी के वह श्रृंगार के रूप में होते होकर शोभा के रूप में होते। ठीक है इस प्रकार से जो संसार में भगवान के भक्त है जेमा कबीर है तुलसी है
सूर्य इत्यादि जो उन्हें मिरा है, जैसे हाथी के दांत काटे नहीं, ओखर केवल श्रृंगार या आभूषण है। यही प्रकार से धरती में जो भगवान के भक्ति से वो उत्प्रोत है, वो मन एक प्रकार से ये धरती के श्रृंगार, धरती के शोभल बढ़ाते। कौन बढ़ाते? तुलसी है, कबीर है, मीरा है, रैदास इत्यादि जो भगवान के भक्त हैं, ये मन बीच बीच में ये धरा धाम भक्ति के संचार करते। तो जैसे हाथी के दांत बड़े रहते, वो काटे नहीं, वह हाथी के श्रृंगार है, ठीक कोई प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्ति में डूबे हुए हैं, वो सब जो व्यक्ति हैं, ये धरती के श्रृंगार के रूप में रहते, धरती बढ़िया सुंदर मार्गदर्शन देते, उमल आनंद सुख पहुंचाते। हाथी के चौथा विशेषता है कि ओखर कान है बड़े बड़े रहते। तो भक्ति में डूबे है तेहू मन के कान है बड़े बड़े होते। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अकथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहिं निरंतर होहिं पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। भगवान के भक्त है वो नाना प्रकार के कथा है, सत्संग है, ये सब सुनत रहे, लेकिन कतको सुनत है तब होले ओखरो कान हथका कने, जैसे हाथी के कान बड़े होते तहने ये भक्त जो उन्हें भक्ति रस में जो डूबे हुए है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, अतेक विशाल ओखरो बड़े कान होते। चौथा तो विशेषता बताए हैं कि हाथी के नाक बड़े होते, वो नाक यहाँ तक के सूर के रूप में हो गए, ठीक कोई प्रकार से जो भक्ति भाव से डूबे हुए, वो भगत घला मन के नाक मानी प्रतिष्ठा बड़ा ऊंचा होती। एक आप देखिए जब का जुड़े तो ए मन सब को 1008 श्री एहनो है प्रतिष्ठा बड़े 108 श्री। कोनो मानस भूषण लिखा थे, कोनो मानस मधुकर लिखा थे, कोनो मानस रत्न लिखा, ये नाना प्रकार के उपाधि, यही है भक्ति के एक प्रतिष्ठा है। तो हाथी के जैसे नाक बड़े होते, तो इसने भगवान के जो भक्त है, भक्ति है, ओहू मन के आगे पीछे नाम वगैरह जुड़ा था, अनंत श्री विभूषि 1008 श्री और स्वामी इत्यादि पंडित, ये सब जुड़त जाते काय, ये सब प्रतिष्ठा सूचक शब्द है। हाथी के और जो एक ख्याव देखिया, ये संसार मा पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिय सकल राम के नाते। जोन भगवान राम से जुड़ गए हैं, राम भक्ति में जुड़ गए हैं, वही आदमी संसार में पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय। तो ये हाथी के पांच विशेषता बता दें, एक तो ऊंचाई रथे बड़ा विशाल है, दूसरा ओखर विशेषता है बड़ा मदमस्त रथे, तो भगवान के भगत घलामन मदमस्त है, कुछ भी नहीं है तब हो, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, बड़ा मस्त रथ मन। तीसरा है कि हाथी के दांत बड़े होते, लेकिन वो दांत के विशेषता का है, वो काटे नहीं बल्कि ओखर श्रृंगार है, कोई प्रकार से भक्ति रस में जन डूबे हुए है, वो सब महान व्यक्ति धरती के श्रृंगार का, कान बड़े बड़े होते कहें, यही प्रकार से नाक बड़े होते, ये जो आप लग पांच लक्षण हाथी के बताए गए से, ये सब भक्त मन में पाए जाते। हाथी के छठवा विशेषता है ओखर आंख छोटे छोटे होते, तो भक्ति घला के आंख छोटे छोटे होते। ये राम कथा सत्संग मा जो जुड़े है व्यक्तियों मन, ओहू मन के आंखी छोटे होते, सूक्ष्म होते, जांच करत रहते रत देवक्ता का बोले है,
देवक्त का बोली तेहु मन अपन आंख सूक्ष्म जांच करके सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन करके जहां तहां से जौन भी अच्छा मिली सो फूल के चयन कर। अब फूल के चयन करे के बाद छांटे के बाद फिर माला मगूद करके बढ़िया सुंदर माला बना दार। आज कोनो भी आदमी जाना थे तो सब लोग पढ़े थोड़े, कुछ लोग पढ़ी से, कुछ लोग जानी से, कुछ लोग सुनी से, कुछ लोग अनुभव करी से। लेकिन जब भगवान के भक्ति में जुड़े हुए मन ओहू मन के आँखी छोटे छोटे होते घर, मतलब हर जगह के अच्छा अच्छा बात ल चुन करके रखे और रखे के बाद माला कसगूत करके ये लिंक में परोसते, कथा भागवत प्रवचन में परोसते, तो हाथी के जैसे आँखी छोटे होते वैसने जौन भक्त जौन है भक्ति में डूबे है एहू मन बड़ा सूक्ष्म दृष्टि करके अच्छा अच्छा बात ल चयन करके छांट करके जोड़ करके एक सुंदर माला बना दार। हाथी के सातवां विशेषता है, हाथी है अपन ऊपर मिट्टी डालत रह। आप देखिए सोंढ में ली कत को नहा धो के लाए है और वो माटी ऊपर में डालत। वही प्रकार से भगवान के जो सच्चा भक्त है ओहू मने नहीं कहे कि मैं दत्का कन जानथर जैसे है वैसे कोई नहीं, बल्कि जौन गलती रहते वाला स्वीकार करते, माने अपन गुण के प्रगट नहीं करके उमा माटी डालत रहते। जैसे एक किस्म के भगत है हमार सुग्रीव महाराज है, अभैया भरत लाल है, एवं कुछ भी घटना होते तो मोरेज गलती, अपन आप हमेशा ही सदोष मान। तो जैसे हाथी होते एक विशाल रथे तबो जैसे धूल अपन ऊपर डालत रहते, तो इसने भगवान के जो सही भक्त हैं ओमन अपन ऊपर मिट्टी डालत रहते, अर्थात कुछ भी बात होते तो अपन आप ल सदोष मकाय कर बे भाई मोरे सो गलती होगी तू मन सब बढ़िया, अर्थात अपन गुण के ऊपर जो हम मिट्टी डालत रहते। तो भक्त घलामन के विशेषता है। और आओ देखिया हाथी के एक विशेषता लक्षण आओ है कि माथा में गजमुक्ता होते, तो भगवान के भगत घला मन में होते गजमुक्ता। राम भगति चिंता मणि सुंदर बसाई गरुड़ जाके उरयंतर। भगवान के भक्ति है स्वतः ही चिंता मणि। तो हाथी में जैसे मोती रथे गजमुक्ता रथे वही प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्ति करी तो भक्ति चल बताए है को चिंतामणि बहुत सुंदर चिंतामणि के समान है। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। और एक चीज आओ देखिया हाथी के अंतिम विशेषता जौन बताए गए है, हाथी के चाल है धीमी होते। तो इसने भक्ति घला भक्त के चाल घला धीमी होते वो एक दिन में ऐसे नहीं कि तह 10 क्विंटल लते कर दार। अरे आज जौन स्थिति में पहुंचे है तो धीरे 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 करत करत आज जौन स्थिति में पहुंचे हैं, आधा अधूरा जौन भी स्थिति है। तो हाथी के चाल जैसे धीमी होते तो इसने भक्ति के मार्ग में चलने वाला घला मन धीरे धीरे भगवान के भक्ति ल प्राप्त करते। आज माता सबरी है, गुरु महाराज कह रही ने कि सबरी तय विश्वास कर बेटी भगवान राम स्वतः यहाँ आही तो 10,000 वर्ष भगवान राम की प्रतीक्षा करे। माने भक्ति के चाल घला धीरे धीरे होते। ये हाथी के जो 9 विशेषता है 9 लक्षण है वो माता सबरी में परिपूर्ण रूप से होए के कारण भगवान राम वाला कहिन जानहू कहू करिवरगामिनी। ऐ करिवरगामिनी हाथी के समान चलने वाली माने हाथी के समान लक्षण से युक्त वो सब सारा 9 जो विशेषता है वो तोर में विद्यमान है। एक रेसेती कुल करिवर गामनी के रूप में संबोधित करें।
अब टाइम लगभग हो जाते, एक छोटकन भजन आपने सुना था, उसके बाद वाणी विराम। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।